सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि नमो अरिहंतार्णम नमो सिद्धार्णम नमो आइरिया नमो वज्र नमो लोए सब साहूं एष सुरासुर मनुष्यन्दु वंदितं दोदिघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससर्व सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समलीयानां दंशन चरित तव वीरियायारी ते ते सभ्य संगम संगम पत्तेगमेव पत्तेगम बंदामि या बटन्ते अरहन्ते मानुषे खेते सुर असुर इंद्र नरेन्द्र वंदित कर्म मल निर्मल कर ब्रस तीर्थ के करतार से वर्धमान जिन सत सत नमन अवशेष तीर्थंकर तथा सब सिद्ध गण को कर नमन में भक्ति पूर्वक नमो पंचाचार युत सव श्रमण जन उन सभी को युगपत तथा प्रत्येक को मैं नमो विद्यमान मानस क्षेत्र के अरहंत को। चूंकि आचरण प्रज्ञापन अधिकार अपन प्रारंभ कर रहे हैं इसलिए मंगलाचरण पूरा पढ़ा अपन ने। सबसे पहले वर्धमान भगवान को महावीर भगवान को नमस्कार किया। कैसे हुए वर्धमान भगवान तीर्थंकर हैं। ब्रज तीर्थ माने तीर्थंकर, ब्रज माने धर्म, तीर्थ धर्म, तीर्थ माने तीर्थंकर हैं के करतार हैं। करतार में तीर्थंकर, तीर्थंकर का ये ट्रांसलेशन हो गया ब्रज तीर्थ के करतार। शॉर्ट में कहेंगे तो क्या कहेंगे तीर्थंकर, और अनुवाद क्या हो गया ब्रज तीर्थ के करतार। कैसे हैं वे सुर असुर इंद्र नरेंद्र, सुर असुर इंद्र नरेंद्र इंद्र, ये सब इंद्र होते हैं सबके अलग अलग, सौ इंद्र होते हैं ऐसे। असुर माने राक्षस नहीं होगा, सुर को छोड़कर सुरेंद्र होते हैं, असुरेंद्र होते हैं माने जो देव नहीं है, तो और भी जैसे जैसे सिंह आदि पशुओं का इंद्र है सिंह, सत इंद्रों में सो इंद्र में उसका नाम ही है, नरेंद्र में चक्रवर्ती, तो ऐसे लेना है ना। तो कर्म मल निर्मल कर, कर्म मल को दूर करने वाले हैं, निर्मल कर्म मल, मल निर्मल, मल को निर्मल करने वाली, मल दूर करने वाली करेंगे इसका अपना अर्थ। मुझे जब ऐसे शब्द आते ना भाववाचक, तो इसे फिर बहुत मन करता है। मल मल क्या है, सिंपल शब्द है मल, लेकिन वो नहीं, तुम्हें जो राग उत्पन्न होता है उसे दूर करने वाली। तुम्हें लगता है मैं पत्नी का राग नहीं छोड़ सकता, वे कह रुको अभी लो इसका मतलब निर्मल करें,
साहब भोजन का राग नहीं छूटता मेरे से। अरे क्या बात कर दी तरह, भगवान की वाणी सुनते से भोजन का राग छूट जाता है। ये निर्मल करने का मतलब समझ आया, मैं जो जो राग आपसे छूटता नहीं वो ही निर्मल कर देंगे। भगवान कैसे है, निर्मल करण है कि साहब मेरे को तो इससे द्वेष है ना, बहुत छूट ही नहीं सकता मेरा, मुझे लगता है कभी नहीं छूटेगा। पीछे गेट लगाया, अरे समझ में कैसी बात कर रहे, द्वेष ना छूटे वही गारंटी इधर। मल किसको कहते हैं, भाव कर्म को मल कहते हैं। वो राग द्वेष हास रति अरति कसा, ये जो भी है सब मल है। और तुम सोचो तुम्हें कौन कौन सा राग नहीं छूटते, तो क्या सब छूटेगा? निर्मल करण, निर्मल करण समझ गए, निर्मल नाम तो सुना होगा निर्मल। अब अपन निर्मल नाम सुनते सुनते ऐसा लगता है एक आदमी का नाम है निर्मल। यह क्रियावाचक है, हा हा हा, क्यों मिथ्या छोड़ना कितना कठिन। अरे इधर आ, है ना निर्मल करण, निर्मल करण माने सावन, कपड़े मलिन हो जाते हैं और निर्मल माने सावन, सावन लगा चिंता क्यों कर, सावन है ना। कल तक वो सुबह तक ये बात कही है बनने, वास्तव में हम निर्मल होना नहीं चाहते, सावन तो है, तत्व तो है, जिनवाणी तो है, भगवान की वाणी है, लेकिन अपन होना नहीं चाहता, उसका कोई उपाय नहीं, अब कोई नहीं बचा पाएगा। तो कैसी है भगवान की वाणी, भगवान कैसी है, निर्मल करने वाली है। ब्रज तीर्थ के करतार हैं, धर्म तीर्थ के करतार हैं। धर्म तीर्थ मतलब व्याख्या तो ऐसा ही, इच्छा होती है तो बहुत एक एक घंटा करो। धर्म माने क्या है, बत्तू साहब अब उधर से लगाओ, जैसे अपन सवाल करते थे ना, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस पर जी फिर वो ऐसा कर दे, तो फिर हम मान रखते हैं, मान ए का मान रखो, बी का मान रखो, मान रखते हैं ऐसे, तो ऐसे हम मान रखो धर्म। अब धर्म सर्वद हटा दो, बत्थु साहब तीर्थ क्या है, तीर माने मोक्ष हो जाए किनारा, संसार के किनारे का नाम तीर, तीर समझिए। और धनुष बाण वाला तीर नहीं है जी, नदी का किनारा होता है ऐसे, संसार सागर का किनारा तीर, और उस तरफ ले जाए, ले जाकर स्थित कर दे, था था माने स्थित कर दे, तीर्थ माने मोक्ष में स्थित करे, उसका नाम है तीर्थ। और कर करने वाला माने हमें संसार सागर से निकालकर मोक्ष में स्थित कर दे, उसका नाम तीर्थंकर। ठीक है, तो वे क्या करती हैं, ब्रश, ब्रश माने कैसा ब्रश, ब्रश माने कपड़ा धोने का ब्रश नहीं, ब्रश मतलब, ब्रश माने वस्तु का स्वभाव, कैसा है वस्तु का स्वभाव, कैसा है वस्तु का स्वभाव, कैसा है, ध्यान सुनना, वस्तु का स्वभाव समझोगे तो क्या होगा कि तीर्थ हो जाएगा, ये तुम समझ गए तो मोक्ष ले जाओगे। भगवान की वाणी कैसी है, भगवान का धर्म कैसा है, भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी है, कि समझने के बाद मोक्ष होता है। ये हो गया फाइनल उत्तर, उत्तर लिखते नहीं पूरा, भिन्न सवाल हल करते, भिन्न एक क्वेश्चन सोल्व करती, फिर सबसे आगे में उत्तर लिखते जी, उत्तर आ गया क्या, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने पर समझने पर अनुभव करने पर मोक्ष होता है, ऐसी वाणी करने वाले का नाम तीर्थंकर। आगे पूरा समझ में आए, मतलब ऐसे खोलो तो। समझ गए, तीर्थंकर बस तीर्थ के करतार माने तीर्थंकर, वर्धमान जिनको सत सत नमन, सौ सौ नमन, अब सौ सौ तो कहने की बात है, वास्तव में तो अनंत नमन है। ठीक है, नमन का मतलब, अब फिर वो द्रव नमस्कार तो समझ ही जाओगे, भाव नमस्कार, भाव नमस्कार का मतलब बता देते हैं, चल थोड़ा वैसे तो बताया ही थोड़ा थोड़ा आपको, भाव नमस्कार का यहाँ क्या मतलब, वो यहाँ पर शुरुआत है ना मंगलाचरण,
एक तो अमृतचंद स्वामी ने नमस्कार किया, भाव नमस्कार किया, उसी रूप अनुभव हुए। यह भाव नमस्कार क्या है, विनय क्या है, नमन विनय से करो, है ना, विनय से कैसे करो, विनय समझते हो, विनय, यह विनय से नमस्कार करो, तो मतलब विनय से नमस्कार करो, कैसे करोगे, विनय से करके बताओ, हैं क्या अरे, हम तो विनय से नमन करने के लिए कह रहे, द्रव्य नमन वो तो भाव नमन हो गया, शुद्ध उपयोग हो जाएगा, तो विनय से नमन कैसे होगा। ठीक है, अब सब अपने अपने शब्द इतने आपको पता कह रहे, सुनो आप ही हमें सर्वोपरि भाषित होते हो, सुख का उपाय हमें अन्यत्र भाषित नहीं होता, इसका नाम विनय है। यानी तुम्हारी दुकान पे देख लिया माल उधर भी देख लेती है तो फिर विनय नहीं। गुरु ने आज्ञा दी बेटे है, ऐसे कैसे, हम उधर पूछ ले, देखो तुम्हारी बात सही है कि झूठा, हम उधर देखते हैं, शायद उनसे सस्ता माल मिल जाए, अरे ये विनय नहीं है। गुरुओं की विनय कैसी, भगवंतों की विनय कैसी, ओह यही सत्य है, यही बात तो सही है, ये अभिनय है। अब लिखी है तो सही होगी, ये अभिनय है, विनय है ना, समझिए विनय का भाव, विनय माने विनय को, विनय का अर्थ करो आपके उपयोग का झोंकना, जाना जाना आपका उपयोग जो भी कह रहे हैं उस विषय तक जाए, इसका नाम विनय है। क्या बोल रहे हो, नए धातु है ना, नए नी, नी धातु से बना, नी धातु से ले जाना, आप अपने उपयोग को ले जाओ, ये विनय है। हाँ हाँ ठीक है पिताजी ने कोई बात की, हाँ ठीक है, अरे आप अपने उपयोग वहां तक ले ही नहीं गए और उनको टरका दिया, टरका दे पूरी बात ही नहीं सुनी, हाँ ठीक हम समझ गए। मैं गारंटी देता हूं जो व्यक्ति ऐसे बोलता है कि हम समझ गए, वो काम बिगाड़ेगा, समझे ही नहीं, उपयोग को वहां तक ले ही नहीं गया, तो विनय का क्या मतलब निकला, अपने उपयोग को उनके कहे हुए विषय तक ले जाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा, वो ऐसी बात बताने वाले कोई नहीं मिले। आज के बाद आपकी बात प्रमाण है, ये विनय है। विनय करने के लिए समझे, विनय का मतलब शरीर की विनय तो झुकना ही होता है, तो माथे क्यों झुकता है, पंडित साहब कहते माथे क्यों झुकता है, कि माथा माने उपयोग, माथा मतलब उपयोग, उपयोग हमारा उस विषय तक जाए, इसका नाम विनय है। जिद्रव्य विनय वो भाव विनय, तो नींद आती हुई ना उधर तक जाना, जैसे अभी हमने कहा एक दृष्टांत कि सुनो तुम्हें कोई चीज पसंद है, मान लो बहुत पसंद है, और हम कहें सुनो कल हम आपको रसगुल्ला खिलाएंगे, तो एकदम हर्ष हो गया, हर्ष क्यों हो गया तुम, एकदम हर्ष क्यों हो गया, कि तुम्हारा उपयोग उस विषय तक चला गया, रसगुल्ला उस तक चला गया, आप रोमांचित हो गए एकदम, ऐसे हम कहा तुम भगवान हो, ओहो भगवान आपकी जय, नहीं मैं प्रमाण करूंगा जी अभिनय, नहीं मैं विचार करूंगा जी अभिनय, ठीक है आप कहते हो तो विचार करती है, और फिर आप कह रहे हो तो सही होगी बात, इस तरीके टोन है ना सोचने की, उपयोग की, उपयोग की हो, बोलो नहीं भरे, आपने देखा है जो लोग निर्णय नहीं करते वे ऊपर से नहीं, आपकी ही बात सत्य है, आप ही हमारे गुरु हो, हम आपकी चरण शरण छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ऊपर से बोले अंदर अंदर का सोचते बेवकूफ है, जबरन जबरन हाकते ऊंची ऊंची फेंक रहे, जैसे जे अकेले हो, कोई हो ही नहीं, अब जिस अभिनय की सोच है, ये अभिनय की सोच है, पति पत्नी में झगड़ा अभिनय से होता है, तो मैं सबसे अच्छे दुनिया में एक से एक पड़ी, ओह अब झगड़ा होगा बस, नहीं नहीं पति से अच्छा कोई नहीं इस दुनिया में, तुमसे ही बड़ी और ये सुंदर पड़ी है, कमाने वाली पड़ी है, तुम कहा सुखी करोगे हमें, देखो कितनी सुखी करते हैं पति लोग, ओह तुलना करने वाला अभिनय है, इसमें झगड़ा शुरू हो जाएगा, ऐसे यहां लगाओ, क्या लिख रहे हैं, ब्रज तीर्थ के करतार आप ही हो और दूसरा कोई नहीं, भक्तामल की भाषा बोलो
खारा पानी पीना चाहे कौन भगवान। चीरो नदी का मीठा पानी पीने के बाद शीर सागर वो कौन सा लबड़ो कालो क्या उदादी कौन सा कालो दादी का शीर सागर का तो मीठा होता है। कालो दादी का खारा पानी पीना चाहे कौन कुमान, कौन पिएगा उसका। लेकिन अभी ध्यान रखना आप उपयोग ले, अंधा उपयोग नहीं जाना चाहिए। निर्णय करके उपयोग जाएगा तो फिर अब उपयोग भटकेगा नहीं आपको। ये बिना बिना क्या मतलब समझ गए, उस विषय तक उपयोग ले जाओ। बहुत कठिन है थोड़ी, ये कठिन है बात। जैसे हमने कोई बात समझाई और तुम उसी समय उत्तर सोच रहे, अरे अपन काहे को बोल दिया, अब बता दीजिए, अब डांटी डांट पड़ती रही, अब इनकी नजर में गिर गए, अरे अपन काहे को पड़ गए, अब हमारी सुनी नहीं तुमने 5 मिनट, बेकार गए 5 मिनट। अरे इतने हितेशी के विश्वास रखो कि हम कुछ कमी है उसे दूर करना चाह रहे। आपको पता है जिस ध्यान सुनना, जिसे बुरा देखते हैं ना उससे तो बात ही नहीं की जाती। जिसे बुरा देखा जाता है ना उसमें सुधार का उपाय नहीं किया जाता। लोक में भी बहुत बेकार आदमी भैया हम बात नहीं करते, सुनो अच्छा है इसलिए बात करती है। क्या कह रहे हम तुम्हें बोला इधर तुम्हारी प्रवचन में कमी है, नहीं कौन कान भर दिए। अब उस समय हमको समझा रहे वो कमी कि तुमने उस प्रवचन में ऐसी ऐसी बात कही थी, और तुम क्या सोच रहे जन को कान भर दिए। भाई साहब कैसे पता लगे इनने कही होगी, ओह तो जी अभिनय हो गई। तुम सफाई के चक्कर में पड़ गए, साफ होने की कोशिश नहीं की तुमने, ये अभिनय है। अभिनय समझ गए, तुम सफाई के बारे में सोचते रहे। कौन कहा आपसे, किसने कहा, ओहो ऐसे बोल रहे हो आप, आपसे किसने कहा। तुम्हारे पुण्य की वजह से पता लगा हमें कि तुम्हारे में कमी है। क्या कह रहे क्या कह रहे, क्या बात बोली थोड़ी देर पहले, बुरे आदमी से कौन बात करेगा, बदमाश से गंदे आदमी से कौन बात करता है, कोई नहीं करता। अच्छा जान करके, वो अच्छा कैसे कहते पता है, स्वभाव से अच्छा है पर्याय में विकार है, ये पर्याय का विकार दूर करने के लिए तैयार है वो अच्छा है। बुरे की क्या परिभाषा है, दो आदमी है अच्छे और बुरे, दो ही अच्छे बुरे और दोनों में एक ही गलती है, एक अच्छा है एक बुरा है, दोनों में अच्छी गलती एक ही गलती है, एक ही जैसी प्रवृत्ति है। हाँ क्या गड़बड़ हुई, एक अच्छा क्यों और एक बुरा क्यों, फिर एक जैसी गलती कर रहे हैं तो एक दूर करना चाहता है इसलिए अच्छा है, और एक दूर नहीं करना चाहता, बताने पर भी नहीं सुनना चाहता, मानना नहीं चाहता, ये अभिनय करता है। अभिनय करने वाले का कल्याण कभी नहीं होगा। अभिनय का मतलब समझ गए, फिर से सुन लो, ऊपर से हलो हलो करता है, हाँ हाँ जी हाँ जी मेरे को आपके चरण पर इतनी तारीफ करेंगे पूछो मत, आज तो आपने अमृत बरसा दिया, खुश क्यों कर रहे हो, अमृत बरसा दिए तो सम्यक दर्शन हो गया। अच्छा क्या समझ में आया फिर, आज अमृत बरसा था मक्खन लगाने क्यों आए बताओ, जब तक तुम्हें आनंद नहीं आया सम्यक दर्शन नहीं हुआ अमृत कैसे हो गया। खुश करने की कोशिश मत करो, खुश करना अभिनय है, खुश होना विनय है। क्या बोला, खुश करना अभिनय है और खुश होना विनय है। तुम खुश हो वो विषय सुनकर खुश हो, विनय का अर्थ क्या बोला हमने, अपने उपयोग को वहां तक ले जाना। आया समझ में आए, हमें सब विषय पढ़ाती है ना, मुझे बड़ी खुशी होती, विद्वान बैठते हैं बड़े बड़े शिविरों में तो हमें बड़ी खुशी होती, उनसे भी कहते अभी हूँ और प्रवचन में भी कह देता हूँ भाई मैंने ऐसा अभी तक जो पढ़ा है समझा वो मैं बता रहा हूँ, कोई गलती हो तो बता देना। तो कई लोगों ने गलतियां बताई तो सुधार ली, हम पंडित तो है नहीं शास्त्री हम है नहीं, हमने तो अपना अध्ययन किया था नोट्स बनाए थे अब हम समझा रहे, ऐसे कोई चूक हो तो कोई हमें बड़ा मत समझना। बड़ा मतलब, बड़ा मतलब जी बड़ी समस्या है, बड़े को समझा नहीं पाता कोई, अरे इनका बड़ा प्रभाव है जी आप सुनते से ही भड़क जाएंगे, ये भड़कने वाला थोड़ी बड़ा होता है, हमें बड़ा मत समझा, हम जितना समझते हैं हम बता रहे, गलतियां हो तो बता देना। क्यों इतने लोगों के बीच में क्यों पढ़ा रहे खुल के,
खुल के इसलिए पढ़ाता हूँ कि वंदन है। जैसे हमारी मति ज्ञान पे आलोचना बहुत हुई तो मुझे बड़ी खुशी हुई, कभी दुख नहीं हुए, मैंने कभी आलोचना नहीं की विद्वान खराब है, उससे मेरा विषय और वृंदिगत हुआ। निमित्त उपादान 50 बार पढ़ाया हुआ, 5 समय वगैरह कई बार पढ़ाए हुआ, विद्वान पढ़ा, हर बार उसमें करेक्शन मिला, हर बार एक नई चीज मिली। अब दो फायदे हुए, आज पूरे नोट्स खो जाए ना तो भी यहां पूरा खचे थे, क्योंकि लड़ाई लड़के निकली ना 50 बार, हर बार एक शब्द का मीनिंग किया है, विद्वानों ने उस पर चर्चा की है, बताया ये आप गलत कहते हो ये सही है। अब ध्यान रखना, कमी बताने वाले की बात अब सुन ही नहीं रहे अभिनय, बहुत पुरुषार्थ है वो, क्यों पहले से बैठा ना पिशाच। और फिर से समझना अच्छे ऊपर की परिभाषा, तुम दोष मिटाने आओगे हमें बड़ी खुशी होगी। और एक बात फिर समझ लो, नीच गोत्र का बंद होता है अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, अपने मुख से ले याद होगा सबको तत्वार सूत्र, नीच गोत्र का बंद होता है अपने मुख से अपनी प्रशंसा मत करो। अरे आपका चाल चलन देखे हमें समझ में आ जाएगा, आपके हावभाव देखे, तुम प्रवचन में कैसे बैठे हो इससे ही हमें समझ में आएगा तुम कैसे हो, तुम नहीं भी बताओगे ना तो भी हमें समझ में आ जाएगा, तुम्हारे प्रवचन में जो एक्सप्रेशन आ रही है उसी समझ में आ जाएगा, तुम जो प्रश्न पूछोगे ना उसी समझ में आ जाएगा, तुम जब भोजन करोगे ना हमें तभी देख के ही समझ में आ जाएगा तुम भोजन कैसे कर रहे हो, तुम्हारी विनय पता लगे, हमें सब पता लग जाएगा, आप कुछ मत बताओ हमें, कुछ मत बताओ। और जो अपने दोस्त बताता है उसके प्रति बड़ा प्रमोद आता है, धन्य है इस जीव ने अपने असंख्यात जन्मों के कर्मों को कम कर दिया, मिटा दिया, वात्सल्य आता है, घृणा नहीं होती, घृणा तो उनसे होती, घृणा मतलब लोग व्यवहार की बात है, हमें तो घृणा नहीं होती, हमें तो केवल करुणा आती है। ठीक है काल लब्धि पकेगी जब इसके दोष मिटेंगे, देखो ये छिपाता है ये बड़ी दुख की बात है। सूर्य क्या कहा था, जो दोषों को छिपाता है वो अपनी प्रभुता का घात करता है, मतलब छिपाता है। अब आगे एक कदम आगे, विनय की बहुत अर्थ है, हो अभी सब विनय के भेद बता रहा हूं, असंख्यात भेद है विनय के, माने भावात्मक। हमने पंडित साहब को अपना दोष बताया, उन्होंने प्रवचन में सुना, प्रवचन वो भी पूरा 1 घंटा उसी बोली, मुझे बड़ी खुशी हुई, पंडित साहब की कितनी करुणा है, इस शिविर में 500 लोग आए या 5000 लोग आए, सबको छोड़कर वो मेरा उपचार कर रहे जी, विनय है। देखो विकारण बता दिए हमने, अब भरी सभा में हम ही टोच रहे हैं, हम ही जैसे और कोई कछु नहीं कर, जैसे सब छिपा जाए तो इन्हें कछु नहीं, हमने कहा बता दिया हमें, ना ये अभी ना, अरे गुरु की करुणा तो देखो, उन्हें ये लगता सुमत कब आएगा, इसका उपचार हो गया तो बहुत काम हो जाएगा। पूरे उपदेश में हमारे ऊपर बात कर रहे हैं, हमें खुशी हो रही है ये विनय। मैं दूसरे से भी कहते हैं ना तो हम पंडित साहब के पास पहुंचे, पंडित साहब जी दूसरा आपने उनका बताया जी, तो हमें भी अंदर हमें भी पड़ी कूटी हुई। बोले अच्छा बेटा ये पात्रता की निशानी तुम्हारी कि तुमने अपने ऊपर ले लिया उसको, तुमने दूसरों के ऊपर कहे गए उपदेश को अपने ऊपर भी ले लिया, ये पात्रता है, ये विनय है, समझे विनय, विनयम ददाति पात्रता, विनय पात्रता को देता है। कभी मत सोचो कोई हमारे दोस्त बताए नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूं हमारे दोस्त पंडित साहब को जरूर बता देना, हमें नहीं बता पाओ तो यही तो हमसे डर लगे, हमारा आचरण खान पान रहन सहन उठना बैठना तुमने देखा इतने दिन में, कोई बात हो तो गुरु जी को जरूर बता देना, हमें नहीं बता पाओ तो हमें बताओ तो अभी शाबाश, क्या क्या तो तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा या हमारे में सुधार हो जाएगा, बस इतना सा फार्मूला है। और मैं भी कभी ये नहीं सोचता तुम्हारे दोस्त इनसे कहें इनके दोस्त इनसे कहें, नहीं तुम्हारे दोस्त हम तुमसे जरूर कहेंगे, क्या मोक्ष मार्ग में कोई बुरा मान जाएगा इसका भय नहीं किया जाता, उसका बुरा ना हो जाए इसका भय किया जाता है। क्या बोला, बुरा ना मान जाए इसका भय, इसका भय नहीं, तुम बुरा मान जा नहीं तुम्हारा बुरा हो जाएगा उसका बड़ा दुख होगा, तुम्हें लग सकता है बिल्कुल हमारे पीछे पड़ गए, इसे तुम्हारा भाग्य हम तुम्हारे पीछे पड़ गए।
नहीं तुम्हारा भ्रम, तुम्हें भ्रम है, हम तुम्हारे पीछे नहीं पड़े, तुम्हारे तो हम आगे खड़े हैं, तुम्हारे दोस्तों के पीछे पड़े। हर कोई नहीं पढ़ता, जितने विद्वान होते हैं क्यों, उनकी शैली क्यों अलग होती है। अभी लोगों हमारे प्रवचन नहीं समझ में आते हैं, हम बार बार कहता हूं, मैं प्रवचन कई बार कह चुका, क्यों कि हम दोष मिटाने के लिए ही चर्चा करते, हमारे हो चाहे तुम्हारे। अभी एक शब्द आ रहा है इसमें बहुत अच्छा हेडिंग में, परेशान, दूसरों को मोक्ष मार्ग में युक्त करने के लिए उपदेश दिया है। ये 75 गाथाएं काय के लिए लिखी है, चरणानी चूलिका की। अब हम तो मोक्ष मार्ग में लगे ही हैं, अन्य जीवों को मोक्ष मार्ग में युक्त करने के लिए अब हम उपदेश दे रहे हैं। नियम सार जी में ऐसा नहीं लिखा, नियम सार जी लिखा है अपने लिए, हेडिंग से लिख दिया, हम अपने लिए लिख रहे हैं, अपने आनंद के लिए लिख रहे हैं, हमें ऐसे, वो बहुत ही गजब बात है। वो आलोचना अधिकार पढ़ो भी, ऐसे आलोचना करते तुम सुनना क्यों, तुम 2000 वर्ष पहले यदि होते तो तुम्हें एक जिज्ञासा होती कि आलोचना पाठ तो हमने वो पढ़ा है जो हमने पढ़ा है, और एक आलोचना का पाठ भी लिखा हुआ है प्राकृत में, तो आचार्य कुनकुन स्वामी कौन सा पाठ करते थे, तो भी लिख के चले गए, हम ये वाला पाठ करते थे, हम वो नहीं करते थे तुम्हारा, हम ये वाला पाठ करते थे, हम वो तुम्हारा प्रतिक्रमण रटा रटा पाठ नहीं करते, पच्चखंड पटिक्रमण वो वाला नहीं कर, हम ये वाला करते, वो लिख के चले गए। हम अकेले में ऐसे शुद्धात्मा को देखते थे, हम उसका प्रत्याख्यान करते थे। मैं तुम्हें यदि पढ़ना हो जैसे तुम्हें देखना हो, 2000 वर्ष जाना पुराना, पुराने पीछे जाना है 2000 वर्ष, आचार्य कुमकुम देखना है तो नियम सार पढ़ो, आपको नियम सार जी उनकी उनका उनकी परिणति दिखाई देगी, उनका चिंतन दिखाई देगा, उनकी आत्मा की दशा दिखाई देगी, उनका सदुपयोग दिखाई देगा। इस एंगल से पढ़ना आप नियम सार जी, और प्रवचन सार जी ऐसे पढ़ना है वो बेटा सुनो ऐसे, मैंने पूरी 75 का था ऐसे सुनो बेटा। शब्द लिखा है, हेडिंग आए ऐसे आ रहा है हेडिंग ऊपर देखो, अब दूसरों को चारित्र के आचरण करने में युक्त करते हैं, लिखा है ऊपर की 4-5 लाइन 201 लिखा है, प्रवचन सार का था 201 कहा निकाला, गाथा 201 निकाल, आचरण प्रज्ञापन का पहला ही पेज है समझ लीजिए, 4 नंबर का पेज पे मिला, अभी कहा मिला, 4 नंबर का पेज देखो, हाँ जी आया आगे नहीं आया। अब दूसरों को चारित्र के आचरण करने में युक्त करते हैं, पढ़ना कितनी सुंदर भाषा आई, हे भव्य जन यदि भव दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो परमेश्वरियों को नमस्कार करो, आओ सब कर लिए नमस्कार, फिर क्या करें, सामान्य को धारण कर। पहले नमन करो, पहले नमन करो, ये विनय, नमन करो माने ये ही सच्चे हैं, ये ही सच्चे मतलब बहुत विस्तार से चलेगी चर्चा, यही सच्चे मतलब पत्नी जो सुख कहती वह सुख नहीं है, परमेश्वर कहते हैं वह सुख है, मेरे माता पिता सुखी होने का जो उपाय बताते, व्यापार करो, धंधा करो, शादी समाज में निभ के चला करो, कल तुम्हारी बारात में कौन जाएगा, फिर तुम्हें मरने में कौन आएगा, फिर जाया करो सब जगह, लकड़ी में जाया करो, सगाई में जाया करो, फिर तुम्हारे कौन आएगा, बेटा निभ के चलो, ओहो माता पिता जो मार्ग बताते हैं वो मार्ग नहीं है सुखी होने का, ठीक है लोक व्यवहार का है, लोकाचरण का है, ठीक है, लेकिन सुखी होने का मार्ग तो परमेश्वरी बताते हैं वह है, इसका नाम विनय, परमेश्वरियों को नमन करूं, विनय करो, ऐसे में है विनय, विनय का मतलब समझ गए, अपने उपयोग को वहां तक लेते जाओ, जी मत सोचो बीच पड़े, ये तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मैं सच कह रहा हूं, आप अब जिस तुम चाहते हो कल्याण तो तुम अब इसका मेडिटेशन करो कि हम विनय करेंगे, व्यक्ति की नहीं उपदेश की, व्यक्ति की करोगे तो आप ब्लाइंड फॉलोअर हो जाओगे,
अब उपदेश उपदेश ब्रजतीर्थ कर ब्रजतीर्थ की करतार ब्रजतीर्थ की करतार वस्तु का स्वभाव बताने वाली। एक काम करो भाई, नमक सस्ता है कि शक्कर? कहो भाई कहां से आए आप लोग? हाँ ठीक है मैडम, बहुत बड़ी। बोलो भाई, टीकमगढ़ में शक्कर सस्ती है कि नमक? तो एक काम करो, खीर बनाना हो तो नमक डाला करो। अब तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? अरे हम कह रहे हैं ना डालो, आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बस तू स्वभाव, नमक का स्वभाव मीठा करना नहीं है, हमारी सारी खीर का सत्यानाश हो जाएगा। हमने पूरे टीकमगढ़ को भोजन कराना है, इतनी सारी खीर बना रहे वो तो तुम कह रहे नमक डालो, तो क्यों नहीं डाल रहे तुम? ब्रस वस्तु का स्वभाव, आप स्वभाव की तरह से विचार करके विनय करो, व्यक्ति की विनय नहीं करो। व्यक्ति की विनय करना तो बड़ी गड़बड़ है। नमोकार मंत्र में व्यक्ति की विनय नहीं की, नमोकार मंत्र में वस्तु स्वभाव को बताने वाले पंच परमेश्वरियों की विनय की है। उधर कहेंगे अभी गाथा आएगी ना उसका, भव्यजन पंच परमेश्वरियों को नमस्कार करो, तो नमोकार मंत्र आ गया उसमें। यहां पर भी समझ में आ गया, सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण, कर्म मल का अर्थ बता दिए, भाव भाव कर। हमें आत्मा की रुचि नहीं हो रही, हो जाएगी। तुम तो बोलो प्रॉब्लम क्या है, बोलो बोलो क्या है? कोई ऐसा कोई होते ना मॉल होते क्या होते जिसे सब मिल जाता है, एक ऐसा डॉक्टर हो जहां सारी प्रॉब्लम सॉल्व, सारी बीमारी ऐसी कोई सारी बीमारी खत्म। ऐसे ब्रश तीर्थ कैसा है? ब्रश तीर्थ बोलो क्या दिक्कत है? किसा आत्मा की रुचि नहीं, हाँ हो जाएगी, और बोलो। किसा मोह राग द्वेष नहीं छोड़ा, बोल और बोलो। किसा प्रतिमा कठिन है, अरे और बोलो। कि उपसर्व परीक्षा कैसे जीतेंगे, अरे और बोलो। चल ठीक ओके एडमिट, समझ गए? ब्रश तीर्थ निर्मल करण, मल मल निर्मल करण, मल के निर्मल करने वाले विश्व का कोई दोष नहीं बचेगा आपके चित्त में, जीवन में नहीं बचेगा। अब इसका नाम सम्यक दर्शन है, आप एकदम निश्चिंत होकर लग जाओ इसमें। ओह यही वचन मेरे लिए प्रमाण है, मुझे अन्य किसी से पूछने की जरूरत नहीं। समझ गए? नमन विनय का मतलब। अब बात तो देखो, अभिनय का एक और अर्थ, अभिनय का एक अभिनय का विनय का तो एक ही अर्थ है, अभिनय का एक और अर्थ। बात तो सही है, लेकिन अभी अपने को अभी मोक्ष में रहना जाना नहीं, अभी तो अपने थोड़े संसार का मजा भी तो लियो, मनुष्य भाव में आए हैं क्या? मनुष्य भाव में आए ऐसे, इतना पुण्य का होता है, इतना पैसा, इतना घड़ी पलंग मलंग, अब इसे चटाई भी सुन लगे, अब इसे दीक्षा ले लें, मजा कर लियो, कर लेंगे धर्म कर लेंगे आराम से। ये अभिनय है, जामिका की अभिनय का सब लोग दीक्षा ले लेते एकदम कि नहीं लेते, लेकिन दीक्षा की भावना तत्काल होती है। क्या मार्ग यही है? इसी प्रकार अन्य प्रकार नहीं है। ओहो मुझे सुखी होना तो मार्ग तो यही है। अरे मैं मोह के तीव्र हृदय में, मैं भले ही गृहस्थी में रहता हूं, मार्ग यह है। आया समझ में आया? जैसे कोई करोड़पति सेठ हो और बहुत जम के चक्कर आया सिर में, सो गटर में गिर पड़ा, उधर होश आया उसे, हम गटर में पड़े, तो उसे क्या लग रहा है? सही बात है, बस सही पड़े ये थोड़ी लगता है, अरे वो चक्कर आ गया इसलिए गिर पड़े, ये हमारा स्थान नहीं। ऐसे घर गृहस्थी हमारा स्थान नहीं, ये संसार हमारा स्थान नहीं है, श्रामण्य ही हमारा स्थान है, ब्रज तीर्थ के करतार। आए समझ में आए? तुमने बहुत कीमती रसगुल्ले खाए, मैसूर पाक खाया, बादाम पाक खाया, अच्छी कीमती चीजें खाई, अटपेरा घी की बढ़िया सब चीजें खाई, और फिर वॉमिटिंग हो गई, तो एक हिसाब से तो अच्छा हुआ कि निकल गया सब, भारी हल्का हो गया शरीर, एक तरह से दुख भी हो रहा है। काय का दुख हो रहा है? अरे क्या बताएं, असली तो ये था ये पचा लेना चाहिए था, इतना कीमती सामान था, 1500 रुपए का माल हुआ कम से कम, हमने पचा लेना चाहिए था, अटपेरा घी का था, इतना शुद्ध बनाया हुआ था, कैसे मुश्किल से तो बनता है, वो सब निकल गया। अरे
तो खेद भी है ऐसे, ओ श्रावण ही करने लायक है, अभी नहीं पच पाया ये अलग बात है, अभी हम श्रावण के पद में नहीं जा पाए ये अलग बात है, लेकिन ये विनय है, वो विनय, हम श्रावण के लायक ही नहीं है, हम ब्रह्मचर्य के लायक ही नहीं है, हमें मुनि बनने की योग्यता नहीं, हम कैसे नहीं गए, हम तो भैया मजे ले रहे, अब हुई देखी जाएगी, नरक जाएंगे चले जाएंगे, ओह जो व्यक्ति ये सोच रहे नरक जाएंगे चले जाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा पक्के में जाएगा, क्या बोला, क्या कहा, क्या कहा, पक्के में क्या जाएगा, बोलो होगा तो हो जाए, आप क्या करें, हम नहीं लायक, इसके लिए कहा है दिन रात मेरे स्वामी में भावना, भावना तो यही भाव, मार्ग तो यही है, ये विनय नहीं कर पा रहे ये अलग बात है, मार्ग तो यही है, ब्रह्मचर्य का मार्ग, मुनि बनने का मार्ग, संयम का मार्ग, मार्ग तो यही, आत्मरस का मार्ग, आत्मा में रमने का मार्ग, मार्ग तो यही है, लेकिन अब क्या करे, रम नहीं पा रहे, ये विनय है, अब नहीं रम रहे तो नहीं रम रहे, जब अकाल लब्धि आएगी जब आ जाएगी, जब क्रमबद्ध होगा तो हो जाएगा, ओ इतनी गंदी सोच, ये सही तो कह रहा है, क्यों सही कह रहा है गंदी कह रहा है, क्यों सही कह रहा है गंदी कह रहा है, हम तो गंदी कही, तुम सही है कि क्यों जी, क्रमबद्ध कह रहा है, काल अवधि कह रहा है, भवितव्य कह रहा है, होनहार कह रहा है, योग्यता कह रहा है, पांच समवाय कह रहा है, तो गलत कह रहा है सही कह रहा है, सही टोटमें क्या है, चतुराई की बातें बनाता है, क्यों तुम्हारे व्यापार में घाटा होता जाए, तब बोलो भाई हम तो जो कर सकते कर ले, हम तो निश्चिंत है बढ़िया आराम से, घाटा हो रहा तो हो जाने दो, काल लब्धि नहीं है तो नहीं है, भविता भी आगे जब हो जाएगा, होनहार आएगी तब हो जाएगी, क्रमबद्ध पर्याय आएगी तब हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, बोलो बात ऐसा नहीं बोलती आप, समझ आएगी नहीं बोलती, बोलो परीक्षा में फेल हो जाओ, मुस्कुराए घर आए, देखो हम जो कर सकते थे किया, खूब पढ़ाई करी, खूब परीक्षा दी, फेल हो गए तो हो गए, नहीं चांटा तो नहीं मिलेगा, हम तो तुमसे ही कह रहे, तुम क्या करोगे जी बताओ, तुम्हें क्या लगता है बोलो, तुम्हारे मुंह से निकलेगी ये बात, इसका नाम है दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ही भाव, समझ गए, भावना अभिप्राय का पोषण करती है, सिद्धांत का पोषण नहीं करती भावना, क्या बोला, क्या मतलब, मतलब क्या है, भावना अभिप्राय का पोषण करती है, वो बात सही थी, वो काल लब्धि भवितव्य सिद्धांत है, सही बात है, वो क्रमबद्ध है, सही है, लेकिन फिर भी भावना अभिप्राय का पोषण करती है, हमारा अभिप्राय तो यह है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, हमें सहय नहीं हो रही, मतलब रात को 4 बजे भयंकर पेट दुखा, अब बाबू बस चले तो अभी डॉक्टर के पास पहुंच जा, लेकिन अब डॉक्टर तो 10 बजे आता है, मतलब लाइन लगती है, एक एक का चेकअप होता है, सारे मरीज दुखी हैं, तुम स्पेशल तो हो नहीं, अब वो 4 बजे से लेकर 10 बजे तक उसको बस चले थे, एक अब भी मिल जाए डॉक्टर, अब भाई ये भैया जल्दी दिखाओ, ये भैया जल्दी दिखाओ, वो भी जानता है 10 बजे पहले नहीं मिलेंगे, अब वहां 10 बजे पहुंची, ओ 12 बजे तक लाइन में नंबर आया, तो 2 घंटा बैठा है, लेकिन उसका बस चले तो आपने देखा 2 घंटा बैठने पर भी बार बार दरवाजे भी देख रहा है, नमोरियन वो दरवाजे देख रहा है, कब कब हमारा नंबर आ जाए, और जिस समय घंटी बजती उस समय तो समय सन्मुख हो जाता है, बिल्कुल चलो अपनी घंटी बजी, चलो भैया ये भावना जानती है, 10 बजे खुलेगा, 12 बजे नंबर लगेगा, वो सब कुछ सब जानती है, लेकिन भाई राग ये भावनाओं को सिद्धांतों की आड़ नहीं होती, समझ गए, मैंने ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी मुनि बनने की भावना सदा रहती है, क्या बोल गए हम, ग्रस्त जीवन में रहते रहते भी मुनि बनने की भावना चलती है, अरे वो कब पढ़ो, कौन सा पाठ पढ़ोगे, कब धन्य सुअवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं, करतादिक वेद मिटाऊं रागादिक दूर, फिर जिस स्थिति लिखी नहीं जाएंगी यदि अपन भवितव्य काल लब्धि भवितव्य की बात करेंगे, क्रमबद्ध की बात करेंगे, फिर तो ये लिखो
क्रमबद्ध जब होगा तब आत्मा में लीन रहेंगी, जब काल लब्धि आएगी तब अपने आप उपयोग आत्मा में जाएगा। ऐसा नहीं, उधर उधर ऐसी बात नहीं कही, ऐसे कहे कब धन्य सो अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। आए समझ में आ रहा है? अब तुम्हारा एक चैप्टर पूरा हो जाएगा ऐसे प्रवचन सार जी का, खूब अच्छे से पढ़ना विनय। हाँ हाँ, पॉइंट लिखना सारी, हमें कितने पॉइंट बता दिए, जब हो जाएगा। अरे जी तो अनदिवस आया है, जब होगा तब हो जाएगा, जी तो अनदिवस आया है। आप पूरा उपयोग लगाते हो, ये पुरुषार्थ है। क्या कहा आपने? आप पूरा उपयोग लगाते हो, ये पुरुषार्थ है। अनदवसाय नहीं करना, जब हुआ जब हो जाए। कई लोग इसीलिए खोसे, स्वाध्याय करने वाले भी तुम जो कह रहे हैं, तुम्हारे पिताजी और ये सब लोग इसी कैटेगरी में क्रमबद्ध पढ़ लिया। हम बुद्धि और चार पांच घंटा तो पढ़ते ही, निर्णय नहीं करते, तुम भी निर्णय नहीं करते, मैंने सभी लोगों की हालत खराब है। पढ़ लिया संतुष्ट, अब क्रमबद्ध हो जाएगा बस, अब काल लग दिया तब हो जाएगा, भाभी तब हो तो हो जाएगा, हमारी तरफ से तो हमने सब कर लिया। नहीं किया, पढ़ने का नाम नहीं है, पढ़ करके निर्णय करो। निर्णय कैसे होता है? डॉक्टर ने 5 साल पढ़ाई करी MBBS की, और जब मरीज आता है ना, तब उसे देख के निर्णय करता है, इतनी सारी किताबों में से कौन सी बीमारी है इसको, इसके लक्षण कौन सी बीमारी से मिलती है, ये निर्णय। पढ़ा सब है उसने, इसको देख के निर्णय कर रहा है, इसको कौन सी बीमारी, इसे इतनी दवाइयां बुखार की 100 प्रकार की, इसे कौन सी दवाई दी जाए, इसकी प्रकृति पित्त है, कौन सा दवाई काम करेगी इसको। अरे कोरोना की दवाई नहीं, इंजेक्शन, हर कोई में ठोक दू। बात प्रकृति है तो ठोक दो, पित्त प्रकृति है तो ठोक दो, कब प्रकृति है तो ठोक दो। मुझे साइड इफेक्ट आ इसलिए आते। गुरुदेव को जो बीमारी हुई ना, बीमारी डॉक्टर ने बहुत डांटा अमेरिका वाले ने, अमेरिका वाले डॉक्टर ने लोकल के डॉक्टर को बहुत डांटा कि तुमने अमेरिका की दवाइयां दी क्यों, जे वाली दवाइयां दी क्यों, हमारे वाले और ये दवाइयां दी क्यों, जिस मनुष्य ने छना हुआ पानी पिया है, जे दवाइयां जो बनाई गई अमेरिका में, वे तो जो मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, उनके शरीर पर टेस्ट करके बनी है, इनको देने नहीं थी, इससे बिगड़ गया केस। कहा उसने ये दवाई क्यों थी, हमें उसने शिक्षा मिली, यहाँ पर सेना पानी पी रहे, शुद्ध खा रहे, ये दवाई अपने लायक नहीं है, ये एलोपैथी की। जीवन से बहुत सीखने को मिला है गुरुदेव के जीवन से, बहुत बहुत। इसलिए मैं कहता हूं बायोग्राफी पढ़ो, यदि जीवन महान बनाना हो, पढ़ना हो, उज्ज्वल करना हो, तो बायोग्राफी पढ़ो, बहुत सीखने को मिलेगा आपको। समझ में आया भैया जी? मत सोचो जब होगा हो जाएगा, या अनंत वसा है, जब होगा जब हो जाएगा, जब कैसे हो जाएगा। एक बात के मैं पूछता हूं, सुनना ध्यान से, शब्द वही चल रहा है, ब्रश, ब्रश माने वस्तु का स्वभाव, तीर्थ, ब्रश तीर्थ के करता, मैंने सब मीनिंग पहले बता दिए, उसी का अर्थ कर रहे। बोलो, दूध में अपन अभी शक्कर डालेंगे तो दूध कैसा होगा? अब उत्तर दो, भवितव्य के अनुसार जो होना होगा होगा। देव मीठा होने की काल लब्धि आ गई होगी तो मीठा हो जाएगा। बोलो मीठा ही, ऐसा कैसे बोल रहे, मीठा ही होगा जी, ब्रश। आहा, समस्त विकारों से तार देने वाला है ये ब्रश, माने वस्तु का स्वभाव। अब तुम वस्तु का स्वभाव पकड़ो, विचार नहीं पकड़ो, तुम नए मत पकड़ो, निक्षेप मत पकड़ो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। उस ध्रुव वस्तु को पकड़ो, उस वस्तु का स्वभाव क्या है बता, तुम बताओ, खुश हो जाओ। अपन अभी भी कहीं ना कहीं परेशानी हुई है, अनुभव तो कुछ हुए तो, हमने कई बार कहा कुछ नहीं होगा, इसमें केवल आइडेंटिफाई होगा बस, रोमांच। रोमांच कहना ऐसा है जैसे टेढ़ी खीर।
हाँ रोमांच कहना समझिए, टेढ़ी खीर समझिए, बेचारे अंधे आदमी से कई खीर खा लू। सो अंधे आदमी अपने कभी खीर खाई नहीं, मानी कैसी हो, तो बताने वाले में इतनी अक्कल नहीं थी कि रचना इंद्री तरफ से जवाब दे, उसने चक्षु इंद्री तरफ से जवाब, वो अंधा था बेचारे, और चक्षु इंद्री से जवाब दिया क्या, खीर सफेद होती है, कहना चाहिए थी मीठी होती, कह रहा है सफेद होती है। अब बेचारा अंधे ने तो सफेद भी नहीं देखा, तो कह रहे अब सफेद कैसे हो, ये सफेद नहीं है ना बगुला नहीं ऐसा सफेद, ऐसे मैं बगुला जैसे सफेद, अच्छा बगुला भी नहीं देखो आने तो बगुला कैसे हो, समझना तो खीर समझना थी खीर कैसी होती, वो समझ रहा था बगुला कैसा होता है, गड़बड़ ऐसे होती है, ऐसे तुम गड़बड़ में हो, रोमांच होता है, अरे रोमांच रोमांच कुछ नहीं हो, क्योंकि जब अनुभव होता है तो रोम दिखते ही नहीं है, और रोम देखता है उसे अनुभव नहीं होता। अब उसने समझाई, देखो तुमने देखो बगुले ऐसे होते, जीवा को मुंह ऊपर को जो चोंच ऐसे ऐसे, ओ इतनी टेढ़ी खीर हमारे गले में फंस जाए, हम नहीं खा रहे, हम नहीं खा रहे, ऐसे सम्यक दर्शन टेढ़ी खीर हो गई, रोमांच होता है, क्या रोमांच हुई, ठीक है। मैं कह रहा हूं, मैं सच बताऊं, जो जो प्रश्न तुम्हें परेशान कर रहा है, ये प्रश्न में से हम बहुत जूझे, सम्यक दर्शन के बारे में इतनी डिटेल सुनी है ना, उससे बहुत जूझे, तब से मेरी आदत पड़ गई कि मैं ऐसी कोई भाषा नहीं बोलता जिससे आपको कन्फ्यूजन हो, मुझे ये फायदा हो गया, मेरी वाणी में आपको कन्फ्यूजन वाली भाषा नहीं मिलेगी, मैं वस्तु स्वरूप बताता हूँ बार 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 बार, तो मैं दृष्टांत देता हूँ, मैं फिर से दृष्टांत देता हूँ अनुभूति का, ब्रज तीर्थ, एक मित्र ने अपने मित्र से कहा कि तुमने रसगुल्ले खाए कभी, नहीं, अरे तो सुनो 15 तारीख को हमारे बच्चे की बर्थडे है, तुम आना, हम रसगुल्ला बनाएंगे उसको, ठीक है। अब वो जो होस्ट था वो तो गेट पे खड़ा रहता है, सारे मेहमान आते हैं उन्हें वेलकम करता है, तो मित्र आए, आओ भाई भोजन कर, अब उसको ये विकल्प नहीं था मुझे इसे रसगुल्ला खिलाने, क्यों वो रखिए खा लेगा, सारे आइटम रखे खा लेगा, उसे ये विकल्प नहीं था खिलाना है मुझे। अब वो बेचारा आदमी सब कुछ खा रहा हूं, सब आइटम खाए, उसे रसगुल्ला भी खाया, उसे ये पता नहीं था कि रसगुल्ला है, उसकी भाषा में उसे हड़ऊ कहते हैं, उन्होंने कहीं की भाषा में हड़ऊ कहते हैं उसको, तो अब उसे जी नहीं समझ रसगुल्ला कैसे होते, हमने हड़ऊ तो खा ली, मैंने ऐसे सब आइटम खाए उसने, कोई छोड़ा नहीं, तो अब उसको अंदर अंदर भी वही दुख चल रहा है, क्या दुख चल रहा है, पूरा पेट भर गया, और वो मित्र अभी तक आया नहीं, पेट भर गया, फिर रसगुल्ले का मजे नहीं ले पाई, कहाँ है रसगुल्ला, फिर उसे नहीं रहा गया, आधा घंटा हुआ देखते देखते, तो फिर वो वहाँ पहुँच गया, उसकी धीरे से ऐसे कोट खींच के कहा, भाई वो रसगुल्ला कहाँ है, जो तुम कह रहे थे हमारी बीवी के हाथ के बड़े अच्छे बना थे, कहाँ है, अरे नहीं कहा, अब आओ ले, अब वहाँ ले गया उसको, उसको वो रसगुल्ला दिखाया, ए जी तुमने खा ले, अब जब कहा रोम पुल के दुआ, क्या रोमांच हुआ, बताओ क्या रोम पुल के रोमांच हुआ, बताओ क्या हुआ, रोमांच हो आता है, टोटो मंजिल का रोमांच हो आता है, उसका मतलब समझो, मैं उसको ये जो उपमा अलंकार होते हैं इनके भाव समझना चाहिए, वस्तु बड़ी है, आप मेरे जो है नोट्स उनमें एक भी डायलॉग नहीं देखोगे, डायलॉग में ये ऐसी रोमांच हो जाता है, फला हो जाता है, जी हो जाता है, कुछ नहीं भाषा नहीं, केवल द्रगुण पर्याय की चर्चा है, केवल अध्यात्म सूत्र में, ज्ञान स्वभाव में, मति ज्ञान में, चार अभाव में, ये सब द्रगुण पर्याय, मैंने बत्तु ब्रज तीर्थ की चर्चा है, अनुभूति के नाम पर हमने और कोई कल्पना की, बहुत भाषा है, ऊपर ऊपर तैरते हैं, गहरी गहरी गुफा में जाते हैं, पला पला करते हैं, और सन्नाटा हो जाता है, आनंद हो जाता है, चमचमाट हो जाती है, प्रकाश ज्योति उद्दीप्त हो जाती है, कठिन लोग यहां से बैठते हैं प्रकाश देखने की कोशिश करते हैं, क्यों लिखा है उसमें आत्मा ज्योति स्वरूप है, हम ज्योति का मतलब ही नहीं समझे, ज्योति का मतलब स्वयं प्रकाश आ गया, स्वयं पर को जानना ये ज्योति कहलाती है, वो ज्योति चमकती नहीं,
आई समझ आई, तो परेशानी है। अब वस्तु सर्व से संबंध आई, अनुभूति समझ में आई। अब जिस दिन तुम्हें अनुभूति होगी तुम बताओ क्या अनुभूति होगी, बताओ ये तुझे तो अनादि से ऐसे ही था, ये तो अनुभव में आ ही रहा था हमें। क्यों 17-18 गाथा में क्या लिखा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सभी को स्वयं ही अनुभव में आ रहा है। तो तुम्हें जैसे अनुभूति होगी ये आएगी, ये अनुभव तो हो ही रहा था। दांतों का स्वाद कैसा आएगा तुम्हें, ये जी वाला दांतों का स्वाद ये तुम्हें आ ही रहा था। अब जिस दिन तुम्हें ऐसा हो जाए उस दिन इतना सरल काम, शब्दों के जाल में नहीं उलझे, उपमा अलंकार वगैरह रूपक नाना प्रकार से बोलती हैं। चलो ब्रश तुम्हें समझ तो क्यों दूध का मीठा होगा, भात नहीं बोलते आप, काल लब्धि होनहार भविता जब होगा तब होगा, हम क्या करें हमने तो शक्कर डाल दी। अरे शक्कर डाली तो दूध, आहा तो मैं शुद्धात्मा ही हूं, अरे मैं ध्रुव ही हूं, अनुभव में आ गया बस। काल लब्धि माल लब्धि याद नहीं आती क्यों, तुम्हारी भावना कितने बज के कितने मिनट में पड़ी थी, अब जो हो सकता तुम नहीं पता 9:12 थे कि 13 थे कि 10 थे, रात के थे कि दिन के थे, रात या दिन पता हो सकता है जब भी हुई होगी, लेकिन टाइम पता है सेकंड कौन से थे, तो काल लब्धि नहीं थी वहां, काल लब्धि होती है लेकिन नजर नहीं जाती, भविता भी होता है लेकिन नजर नहीं जाती, हमें तो ध्रुव ही ध्रुव दिखता है बस। आगे सकना है समझना भैया, आगे चलो आगे। अब शेष तीर्थंकर अन्य तीर्थंकरों को और सिद्ध गणों को नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है देखा है। अवशेष तीर्थंकर तथा सब सिद्ध गण को नहीं मिला, ठीक कर नमन, मैं भक्ति पूर्वक नमु पंचाचार युत सब श्रमण जन, सब साधुओं को नमस्कार करते हैं। पंचाचार युक्त हैं जो पांच आचार होते हैं ना, पंचाचार दर्शनाचार वीराचार तपाचार ज्ञानाचार ज्ञानाचार ऐसे, ठीक है उनकी चर्चा आई है अभी। उन सभी को युगपत लो एक साथ नमस्कार कर रहे हैं और अलग अलग भी कर रहे, प्रत्येक को प्रत्येक को उन सबको भी नमस्कार कर रहे हैं। और आपने देखा है जो भी मंच में बोलते हैं ना, मंच में कोई नेता बोलता है, ट्रस्टी बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं, सभी को जय जय उतरने के बाद फिर भैया जय जय उत्तम क्षमा, प्रत्येक कोई भी बोलता है, क्या हमने बोलते थे मंच पे, अब हम गलत से कहते हैं कि नहीं सबको एक साथ और फिर एक एक को जब मिलती एक एक तो सबसे भी कहते थे, देखा होगा तुमने उत्तम क्षमा के दिन मंच से जो कोई बोलता है वो उत्तम क्षमा सबसे कहे भाई सब लोग अभी क्षमा करना भाई, और फिर एक एक मिलते जाते उनसे भी क्षमा मांगते जाती, तो प्रत्येक को नमस्कार। मैं नमो विद्यमान, विद्यमान मैंने विद्यमान मानस क्षेत्र, मानस क्षेत्र मैंने ढाई दीप मानुष मानुष क्षेत्र मैंने ढाई दीप जहां जहां मानुष पाए जाते सभी अरंतों को नमस्कार। तो कितने अरंतों को नमस्कार किया इसमें संख्या बोलो, ढाई दीप में कितने अरहंत हैं, 898,502 ढाई दीप में इतने तीर्थंकर हैं, मतलब तीर्थंकर नहीं अरहंत हैं, अभी हैं अभी इतने, ये तो अपन कंगाली में जमने में है, इधर कंगाली है अपने पास एक भी नहीं है। क्या लगता होगा सही विदेश क्षेत्र वगैरह में जहां जहां होंगे, जहां जहां होंगे कैसे विचरते होंगे केवली, 898,502 इतने तीर्थंकर नहीं अरहंत, ठीक है। तो उन सबको नमस्कार किया, ठीक। अब अपन गाथा पढ़ते 201, ये तो प्रारंभ की मंगलाचरण की थी, अब 201 हिंदी पढ़ो। हे भव्य जन यदि भव दुखों से मुक्त होना चाहते परमेश्वरों को कर नमन, श्रामण को धारण करो। ये भव्य जन, इसका मतलब दो क्वालिटी के जीव है दुनिया में, अभव्य और भव्य।
तो ये उपदेश अभावी को नहीं दे रहे, जो सुनना ही नहीं चाहते उन्हें नहीं दे रहे, जो समझना नहीं चाहते उन्हें नहीं दे रहे, कुछ कह रहे हम जो उपेक्षा सुन रहे उन्हें नहीं दे रहे, जो सुन के इधर उधर यार ठीक है सुन लो। हमारे संग नहीं, इस समोसरण में भी ऐसा होता है, समोसरण में भी भगवान दिव्य ध्वनि ऐसा थोड़ी सुनते सब भक्ति से कछुए ऐसे बैठ जाए क्या करें बेचार, कुछ लोगों को कौतुक होता है, बैठ के उठती उठ जाती है यहां से, कौतुक ही होता है, चलो नाटक हो रहा है, देव नाच रहे, देवियां नाच रही नीचे मंडप में, चलो मंडप में, जैसे पंचकल्याण होते ना, कुछ लोग प्रवचन सुनते हैं, कुछ लोग स्थलों में घूमते रहते हैं इधर उधर, और क्या है यहाँ, क्या है और क्या आया और क्या देखो, तो ऐसा नाना प्राय जी वहां भी जाते हैं सारे, तो अभाव्यों के लिए नहीं है ये बात। क्यों बता रहे हैं हम आपको, बड़े उत्साह से सुनो इस चीज को, सुमत को नहीं भगवान को, भगवान की वाणी को अपने हित करने के लिए सुनो। फायदा क्या होगा, दो फायदे हो सकते हैं आपको, दो फायदे हो सकते कह रहे, दो फायदे, एक फायदा तो ये होगा कि साक्षात तीर्थंकरों के लायक हो जाओगे, साक्षात आचार्यों के लायक हो जाओगे आप, सुनने के लायक, भक्ति से सुनोगे, क्यों बात तो उनकी हम तो टपाली है, टपाली समझते होगे, पोस्टमैन तुम नहीं समझते टपाली, हाँ राजस्थान में तो बोलते हैं टपाली, नहीं बोलते, गुजरात में तो बोलती है, जैसे बागड़ समाज है वो तो बोलती है टपाली, गुजराती में बागड़ में बोलती है टपाली, बागड़ क्या है गुजराती है एक प्रकार की, तो मारवाड़ी मिक्स है थोड़ी इतनी, हम तो पोस्ट में पढ़ के सुना रहे भगवान की चिट्ठी, हमारी नहीं सुन रहे, ध्यान रखना हम काबू सुने इनकी, इनकी काबू, अरे हमारी सुन ही नहीं रहे भैया, हम सुना भी नहीं रहे अपनी ये तो क्या बताएं, तो फोकट में हल्दी को रंगा जाता अपने, अपन ने अच्छे से समझा दिया, तो अपने रंगा जाता, लोग कहते भैया इनके प्रवचन बहुत बढ़िया, हम तुम कह झूठ कह रहे, हमारे प्रवचन है ही नहीं जी, मूल भगवंतों की वाणी है, अस्त मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ, उनकी बात हम क्या बता रहे, अच्छी लगी तो इनकी अच्छी लगी, हमारी तो कैसी नहीं, हमारी तो जय बेटा खाओ पियो मजा करो माने जो व्यक्तिगत होती है वो कहलाती है, हमारा जो राग है ना वो व्यक्तिगत कहलाता है, उपदेश हमारा नहीं है, समझ में आया, ये भविजन माने अभव के लिए नहीं कह रहे, और बिना ऐसे सुनोगे तो दो फायदे हो सकते हैं, पहला फायदा बता दिए क्या, तीर्थंकरों के लायक हो जाओगे, आचार्यों के लायक हो जाओगे, गणधरों के लायक हो जाओगे, मैं साक्षात मोक्षगामी जीवों से सुनने का अवसर मिल जाएगा आपको, दूसरा दूसरा आपके बचे, दूसरा यह है कि तुम्हें उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी विनय से सुनो कि आज के बाद सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है मुक्तिदाता विनय है, विनय एज मोक्ष नो साचो दरवाजो छे, विनय मोक्ष मार्ग का दरवाजा है, वो विनय नहीं होगी तो तुम भगवान के पास जाके भी नहीं सीख पाओगे, विनय से ही सीखते हैं ना, सीखते कैसे समझते कैसे विनय से, अब विनय नहीं हुई तो विनय माने हाथ पैर वाली नहीं, वही वाली विनय जीत की अपन ने बहुत चर्चा की अभी, हे भविजन यदि भव दुखों से, अब भव दुख क्या है, भव दुख क्या है, मैं अब ये भाववाचक संज्ञा बता दिए पहले आपको, भव दुख माने नरक के दुख नहीं, स्वर्ग के दुख नहीं, त्रयंच के दुख नहीं, चार गति के दुख नहीं, भव दुख माने चार गति के दुख नहीं, सब लिखा है पहली ढाल में, कि हाँ पहली ढाल में लिखा है, जो लोग जो समझते हैं ना उसे भी दुख कहा जाता है, लेकिन असली दुख वो नहीं है चार गति वाला, समझ रहे क्या कह रहे हैं, असली दुख चार गति वाला नहीं है, अब समझ में जल्दी आता है इंद्रिय ज्ञान से, इसलिए बताते हैं वो, देखो मैं सरल दृष्टांत दे रहा हूं, कठिन है थोड़ी कठिन चर्चा है, कठिन तो कठिन नहीं, अब थोड़ी मेहनत लगती है, इसमें मेहनत लगेगी तो समझाऊं, देखो जैसे
घर में बच्ची है 16-18 साल की, 16-18 साल की बच्ची, अब वो घी ढोल देती है, ढंग से झाड़ू नहीं लगाती, रोटी ढंग से नहीं बनाती, तो अम्मा को बड़ा कष्ट होता है। तो अम्मा का कष्ट हो रहा, क्या कष्ट हो रहा है अम्मा को? जी आगे सर, अरे इसके फल में तुझे कितना, पति से कितने दुख होंगे, तुझे सास से कितने दुख होंगे, अरे तू पूरी जिंदगी दुखी रहेगी। तो अभी काय से दुखी है? अभी तो वो गई नहीं, अभी तो ससुराल नहीं गई ना, तो अभी से क्यों दुखी हो रही है? कि बेटा दुख का कारण तत्व विद्यमान है, हमें उस कारण तत्व से दुख हो रहा है। समझ गया अब तो हमारी क्या कहना चाह रहे थे? हमें चार गति के दुख दुख नहीं है, वो तो समझो समझते इसलिए समझा देती, लेकिन चार गति का कारण पड़ा हुआ है, ये तुम्हारे लिए भव दुख है। सुनो, यदि भव दुखों से छूटना चाहते हो, अर्थात मिथ्या से छूटना चाहते हो, अवृति से छूटना चाहते हो, प्रमाद से छूटना चाहते हो, कसाय और योग से छूटना चाहते हो, तो श्रवण को धारण करो। अब जो टेक्निकल भाषा बोल दी इसलिए जल्दी बोल दी, अब समझ में कुछ नहीं आया हुआ, कुछ नहीं समझ आया, शब्द आए थे, ये तो शब्द है ना, भव दुख। तो भव दुख क्या है फिर? अब फिर से बोलो भव दुख क्या है? अब कायदे से तो टाइम हो गया, आधा एक घंटा चलाऊं तो कम पड़ेगा, मतलब थोड़ी मेहनत है इसमें, वो करना पड़ेगी घुटाई, तुम लोग करना। मैं फटाफट दृष्टांत देता हूं फटाफट। तुम सिद्ध समान वैल्यू हो, तुम्हारी सिद्ध के समान, और तुम्हें तुम्हारी वैल्यू ना मिले तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हो, तुम्हें 1 करोड़ महीने की नौकरी लगना चाहिए, टॉप पोस्ट मिलना चाहिए, और कोई तुम्हें चपरासी बनाए तो कैसा लगे? अब लोग मालूम क्या कहेंगे तुमसे? ज्यादा कहो चपरासी ही मिल गई, तुम्हें 15,000 मिल रहे, लोगों चपरासी तक की नहीं मिलती, लेकिन तुम कितने सुखी हो गए बोलो। मेरे में वो परिपूर्ण कारण तत्व है, मैं परिपूर्ण परमात्मा बनने लायक हूं, बस तुम स्वर्ग से खुशी कह रहे हो, ये भव दुख है। समझ गए? तुम अपने घर के दृष्टांत से जल्दी समझ जाओगे। तुम्हें बंटवारे में 1 करोड़ मिलना चाहिए था और 1 रुपया मिला, कैसा लगता है बोलो? हम हकदार थे, हकदार थे, हालांकि भूखे नहीं मर रहे, भूखे नहीं मर रहे, और खूब पैसा है अभी भी, लेकिन नहीं साहब, बात वो नहीं है, बात वो नहीं है, रोटी कमी नहीं है बात ठीक, कपड़ा की कमी नहीं ठीक है, मरते दम तक खूब पैसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हकदार थे हम, हमें 1 करोड़ मिलना था, 1 रुपया मिला। हम कह रहे तुम मोक्ष जाने के हकदार थे, तुम जरा से मति सुध ज्ञान में भटक रहे हो, जरा से इंद्रिय सुख में भीख मांगते फिर रहे हो, पत्नी मर जाए तो ये भाई हम मर गए भाई, दिन से कहा बताए बेहती बेहती, झीक रहे हो, एक भगवान झीक रहा है पत्नी के नाम से, पति के नाम से झीक रही बेचारी, बच्चों के नाम से झीक रही, मोड़ा नहीं हो, एक ठुका मोड़ा हो जा तो और सब तो ठीक है, बस रोत रहो। आपको मैं कह रहा हूं पूरी जिंदगी झीकने में जा रही है, ये है भाव दुख। तुम परिपूर्ण परमात्मा बनने लायक थे, आनंद सुख प्रकट करने लायक थे, भव दुख समझ गया अब तो थोड़ा सा? तुम्हें एक भी विकार नहीं होना चाहिए था, और तुम्हें मोह राग देश का दोषी कहा जा रहा है, हास रति अरति का दोषी कहा जा रहा है, ये है भव दुख इंसल्ट। हम तुम्हारे गांव में आए और तुम जे कहो भाई साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की, वहां चपरासी थी जी, बहुत अच्छी, क्या के देखना हमें भाई टाइम, भाई टाइम कितना दुख होगा, कहा हमें कभी शराब नहीं पी, और तुम जे कहो भैया भाई साहब की क्या तारीफ करें, ये ऐसे आवारा लड़का थे जब कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन अभी 10 साल से तो भगवान कसम दारू तक नहीं पी, तुम कहा कर रहे थे? अब कोई तुम मार नहीं रहे, पीट नहीं रहे, जला नहीं रहे, और खाने पीने की कुछ कमी नहीं रख रहे, लेकिन कितना दुख होगा, तुम कहा कह रहे? हमने तो कभी करा ही नहीं। आप समझ में आए? ए तुमने परिस्थिति सेवन किया है, ये भगवान से कहना पड़ रहा है तुम परिस्थिति सेवन, ये कहा कह रहे तुम हमसे? हम कॉलेज की नौकरी ऐसी होती है, मस्ती की नौकरी होती है कॉलेज की नौकरी,
जाओ तो जाओ, नहीं जाओ तो मत जाओ, पढ़ाओ तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ तो मत पढ़ाओ, टाल मार दियो, बहाने मार दियो, कुछ कर दियो, नहीं गए तो नहीं गए, कैसे सिग्नेचर तो होते नहीं। और सुबह से शाम तक कॉलेज चलता तो प्रिंसिपल सबको देख नहीं सकता, देख ही नहीं सकता वो, कोई 8 बजे आज शाम को क्लास है, कोई 8 बजे सुबह है, कोई दोपहर में है, कोई कभी है, कोई देख नहीं सकते। मतलब तो आपकी ईमानदारी है बस। तो मैं मालूम क्यों जाता था, लेकिन टाइम टू टाइम अपना परफेक्ट, कि मुझे इस बात का दुख लगता था कि मैं भावी सिद्ध हूं और एक मिथ्या दृष्टि के सामने मुझे सॉरी बोलना पड़े भाई दबे किसी दिन, वो दिन मुझे बर्दाश्त नहीं, मेरी ये बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं जाता था। मुझे इससे मतलब नहीं था कोई देख है या मत देख, हमें इससे कोई मतलब, यदि मैं एक दिन नहीं भी जाता था ना तो अगले दिन तक मेरी बड़ी हालत खराब रहती थी अंदर, वो आश्रम बंद मुझे अखड़ता था। तो एक एक ही उत्तर होता था उस आश्रम बंद से बचने के लिए, कल जाते से एप्लीकेशन दे देंगे, सर कल मैं नहीं आया था, सॉरी सर, और मैं आपको इंटीमेट भी नहीं कर पाया, और ये सारी एप्लीकेशन है कल की, ओके थैंक्स, मैंने उस वक्त खुश होते थे, कल हमने आपको ऐसे बताया नहीं। कभी भी विदिशा भी जाता था, विदिशा तो कोई जरूरी नहीं, बिना कहे चले आओ, 50 किलोमीटर दूर है, चले आओ, क्या दिक्कत है, लेकिन हेडक्वार्टर लीव लेके जा रही, कानून है हेडक्वार्टर लीव लेके जाओ, प्रवचन करने जाए, 10 लक्षण में जाए, कहीं जाए, हेडक्वार्टर लीव लेके जाए, 5 दिन की छुट्टी पड़ गई, जैसे 5 दिन, अब उसकी छुट्टी अलग से लेने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट छुट्टी 5 दिन की, तो हेडक्वार्टर लीव 5 दिन में हमारा ये एड्रेस होगा, ये फोन नंबर होगा, हम इस जगह जा रहे हैं। मैंने हम किसी से सॉरी नहीं बोलना चाहते, हम सॉरी बोलने में तकलीफ, हमें ऐसा नहीं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ना अपना काम नहीं बनता, अपना काम बिगड़ता भाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं करेंगे, समझ गए दुख। अरे सब स्वस्थ कर लिया क्या हो गया, अरे तो तुम नहीं समझे, तुम नहीं समझे, तुम भगवान हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। अब यदि तुम ये समझोगे ना तो बहुत दुख समझ में आएगा। यदि एक स्त्री अपने को भगवान समझे और लोग कहें सासू खुश करे, बहुत अच्छी बहू आई, इतनी अच्छी झाड़ू लगाती, उसे एकदम दुख होगा, हम तो भगवान हैं, मजबूरी में देह विराधना से देह मिल गई, इसलिए झाड़ू लगा रहे, अरे अच्छी झाड़ू लगाने करता कह रहा, अरे वो दुख होगा, ये बहुत दुख है। आपको समझ में आ रहा कुछ सूक्ष्म बात क्या है इसमें, इसमें ध्रुव स्वभाव नहीं देख रहे, इसका दुख है, उसकी विराधना से जो करना पड़ रहा है ये दुख है। पुण्य का उदय नहीं, पुण्य का उदय प्रशंसा में पुण्य का उदय होता है, पाप का उदय प्रशंसा में पुण्य का उदय होता है, पाप का उदय, सुनो उसे तो दुख ही लगता है। अज्ञानियों को पुण्य का उदय लगता है, ज्ञानियों को दुख लगता है। अभी हम तुमसे कहें भैया तुम शिविर में आ जाए ना, शिविर लगे ना 18 दिन का, पिछली बार तुमने वो लेटरिन बाथरूम साफ करी थी, बहुत अच्छी की थी, हमें तुम्हारी याद आ जाती है शिविर में, वो लोग बहुत गंदा कर जाते, पानी तक नहीं डालते, बहुत बदबू आती, तुम आ जाना, हम तुम्हारी बड़ी तारीफ करेंगे और मेडल देंगे तुम्हें, वो सबके सामने ताली बजवाएंगे उसकी, और तुम कहो तो उसकी वीडियो बना के दिखा देंगे व्हाट्सएप पर, इन्होंने कितनी बड़ी गटर साफ करी। वो लोग कैसा लग रहा था, प्रशंसा कर रहे हैं, हम निंदा नहीं कर रहे, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी क्या कहलाते हो जगुप्स क्या निर्विचिकित्सा, हाँ हम तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं निर्विचिकित्सा की, साधर्मी होते हो ऐसा, उदार होते हो ऐसा, अरे भैया गजब। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, अब 4-6 दृष्टान दे दिए, मैं भगवान हूं, ध्रुव हूं, ज्ञायक हूं, परिपूर्ण हूं, अरे तुम कहते मैं सेठ बन गया, इंद्र बन गया, देव बन गया, अरे रे मुझे बहुत दुख है। सुनो ऐसे बहुत दुख को यदि तुम दूर करना चाहते हो तो श्रावण को धारण करो, जिन्हें कह रहे पुण्य को पुण्य का उदय चाहिए हो तो श्रावण धारण करो, कंगाली का दुख दूर करना हो तो श्रावण को धारण करो, जिन्हें लिख रहे, समझ गए प्रवचन का अर्थ क्या कर रहा हूं, समझ आएगी कुछ, हम गरीब हैं, गरीबी दूर करने के लिए श्रावण धारण करो, जिन्हें कह रहे पत्नी बहुत लड़ती है इसलिए श्रावण धारण करो, जिन्हें कह रहे बीमार रहता शरीर इसलिए श्रावण को धारण करो, ये नहीं कह रहे। यदि तुम्हें अपने भगवान की विराधना अच्छी नहीं लगती हो, 4 गति में तुम्हें कहीं सुख ना लगता हो, बैंस जी का बचना मत बोलो, पहली लाइन समझ गए, यदि तुझे कहीं ना रुचता हो, तुझे कहीं ना रुचता हो, पहली लाइन
सिद्ध पूजा में बोलो, डॉक्टर साहब की सिद्ध पूजा में से होकर निराश। लेकिन हमने कौन सा अर्थ किया समझ में आया कुछ? मोहराग देश तो उससे उत्पन्न हुआ, बाद में हुआ है। मोहराग देश भी दुख का कारण है। लेकिन मोहराग देश क्यों हुआ? कि अपनी प्रभुता भूल गए, अपने भगवान तत्व को भूल गए, तो उसकी विराधना से यह सब हो रहा है। यदि वो तुम्हें दुख लगता है तो भगवान बनना चाहते हो, कभी किसी से पुण्य पाप का दुख नहीं भोगना चाहते हो, तो अपनी प्रभुता प्रकट करना चाहते हो, तो श्रामणी को धारण कर विचारना। ओम नमः शिवाय।